हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि घर हर व्यक्ति की पहली जरूरत है। यदि हमारे देश में लोगों के पास रहने को मकान नहीं होगा तो देश का विकास अधूरा ही रहेगा। हर परिवार के पास अपना घर हो, ये उनका सपना था। श्रीमती इंदिरा गांधी के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में इंदिरा आवास योजना के तहत एक बीपीएल परिवार को 45,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना ने देश भर में लाखों जरूरतमंद ग्रामीणों को अपना घर बनाने में सहायता की है। ये फतेहाबाद जिले में धांगड़ गांव की मेवा देवी हैं। मेवा देवी पहले झुग्गी में रहती थी, लेकिन अब IAY से मिली आर्थिक सहायता से इन्होंने अपना घर बना लिया है। पहले झुग्गी में रहता, बरसात आंधी 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 मीस आंदा, गर्मी होंदी तावड़िया बलदा। फिर सरकार की तरफ में हमने कोई ग्रांट मिल गया, प्लाट मिल गया, तो हमने ग्रांट मिल गया, ये मकान गल गया, ये बहुत आराम हो गया, हमने छिया होगी। हरियाणा सरकार ने मेवा देवी को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज का प्लॉट दिया और इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 45,000 रुपए दिए। धांगड़ गांव की ही शांति देवी को पहले हरियाणा की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज का प्लॉट मिला और उसके बाद इंदिरा आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता। आज शांति देवी के पास अपना मकान है। मैं धांगड़ से रहने वाली थी, मैं तो बहुत बहुत मुश्किल देखी, बहुत ही। अभी गवर्नमेंट ने मैंने प्लाट दे दिया, बहुत सुविधा दी बेचारा ने, मेरा टाइम टप गया। अब मैं भाई मेरा मकान छीन लिया, मैंने गवर्नमेंट के पैसे मिल गए, मैंने बहुत सुविधा गवर्नमेंट से तरफ से मिल गई। अभी धन्यवाद वो आपने सरपंच साहब का मिल गया, बहुत बहुत तारीफ करी। ढाणी माजरा गाँव की कृष्णा देवी के पास पहले टूटा फूटा कच्चा मकान था, लेकिन अब कृष्णा देवी अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रहती हैं। कच्चे मकान थे, घनी मुसीबत थी। अब बारिश आती जब दुखी होते, कीचड़ हो जाते, कभी कभी गिरी जाते, पुठा बाल करे। अब हमने सरकार पैसे दिए, अब हमारे पक्का मकान हो गए, मुसीबत नहीं रही, सुखी हम। सरकार की मेहरबानी से बन गए, नहीं हमारे पास कहाँ से पैसे आते, क्या करें हम गरीब आदमी, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है। कृष्णा देवी की तरह ही ढाणी माजरा गांव की सीमा देवी का बरसों पुराना अपने मकान का सपना साकार हो गया है। इनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, इसीलिए अपना मकान बनाना सिर्फ सपना ही था, लेकिन आज इंदिरा आवास योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से इनका सपना हकीकत बन गया है। पहले हमारे कच्चे मकान थे, अब सरकार ने हमारे भाई लोन दिलवाया है, जो हमारे पक्के मकान करवा दिए, जो को हमारा बहुत सुविधा होगी। पहले हमारा भाई मकान चोए कर दा, बहुत दिक्कत आए कर दी, हर चीज की दिक्कत थी, अभी मन तो बहुत ही सुखी कर दिया सरकार ने, बहुत सुविधा करी हमारी। फतेहाबाद जिले में वित्त वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजना के तहत कुल 1024 मकानों का निर्माण करवाया गया। इन पर 4,85,00,000 रुपए खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास योजना के तहत 1,246 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 5,50,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। IAY जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी ही अच्छी योजना है, जिसमें हम गरीब परिवारों को मकान मुहैया करवाते हैं। इसमें हम पैसा दो किस्त में देते हैं, एक बार 25,000 पहली किस्त, दूसरी किस्त 20,000। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि लोग खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो जो नया एसेट बने उनको उसमें अपनापन भी कुछ फील हो। तो इस साल हमारे पास 1,250 मकानों का टारगेट आया है, जिसमें से हमने 1,050 के करीब फर्स्ट किस्त मुहैया करवा दी है, और दूसरी किस्त की हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएगी हम ये भी लोगों को मुहैया करवा देंगे और अपना टारगेट पूरी अच्छी तरह कम्प्लीट कर लेंगे। फतेहाबाद में भिड़ाना गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत 103 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। हमें ये प्लाट 59 प्लाट है जो इन्होंने दिए, और इन्होंने अंदर कम से कम 20-25 मकान बन चुके हैं, और इंदिरा आवास योजना के तरफ से इन्होंने 45,000 रुपये इन्होंने
सहायता मिली है और आगे भी इन्होंने औरों को भी दिए जाएंगे। इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन बीपीएल सूची के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों में से जरूरत के हिसाब से परमानेंट वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। यह सूची ग्राम सभा में पास करवाई जाती है। ग्राम सभा में पास होने के बाद परमानेंट वेटिंग लिस्ट को पहले ब्लॉक, फिर जिला और उसके बाद राज्य सरकार को भेजा जाता है। परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर जरूरतमंद ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो ग्रामीण इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें पहले लिखित में अपनी मांग ग्राम सभा को देनी होती है। ग्राम सभा में इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक लोगों की सूची तैयार की जाती है। इसमें याचिकाकर्ता के कच्चे या खस्ता हाल मकान का ब्यौरा दिया जाता है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से परमानेंट वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। इस योजना में 75% धन केंद्र सरकार और 25% धन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना के तहत 75% राशि केंद्र सरकार द्वारा तथा 25% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। हमारे जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत इस वर्ष 1240 मकान देने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 31 मार्च तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब तक 1241 मकानों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की सूची जो कि पहले से तैयार है, उसके आधार पर एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनाई गई है। इस वेटिंग लिस्ट का सर्वे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाता है। उसके पश्चात वेटिंग लिस्ट के अनुसार सीनियरिटी वाइज मकान दिए जाते हैं। जिन परिवारों को इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता दी जाती है, शुरुआत में उसे 25,000 रुपए दिए जाते हैं, बाकी 20,000 रुपए मकान का निर्माण छत तक करने पर दिए जाते हैं। इस स्कीम में टोटल अभी इस टाइम पे 45,000 रुपए की ग्रांट का प्रोविजन है, जिसमें से पहली किस्त 25,000 रुपए की और दूसरी किस्त 20,000 रुपए की। आफ्टर जब वो अपना मकान बना लेता है रूफ लेवल तक और लैटरिन बना लेता है, स्मोकलेस चूल्हा किचन बना लेता है, तब आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ये रिलीज की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 60% अनुसूचित जाति, 15% अल्पसंख्यक और 25% सामान्य वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है। सभी वर्गों में 60% लाभ महिलाओं को दिया जाता है। झलनिया गांव की राजकौर भी उन्हीं महिलाओं में से एक है, जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिली है। पहला भाई किराए पर बैठे थे हम, किराया कौन भरे जाता तो बच्चों की फीस कौन भरी जाती, फीस भर देते तो किराया नहीं। फिर भाई आपने सरकार ने दे दिया ग्रांट, जब मकान पाले ये तो ठीक ठाक है। हरियाणा के दूसरे जिलों की तरह ही फतेहाबाद में भी महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना ने इंदिरा आवास योजना को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में सहायता की है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन ग्रामीणों को राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100-100 गज के प्लॉट दिए और बाद में इन लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 45,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस तरह जिस परिवार के पास पहले जमीन भी नहीं थी, आज उनके पास अपना पक्का मकान है। धांगड़ गांव का रेलू राम भी ऐसे ही लोगों में से एक है। मैं किराए के मकान पर रहता था, अभी लेटरिंग जाते तो कोई भी नहीं थी, बाहर जाना पड़ता था। मेरे को इतने सरकार ने सुविधा दी है, मेरे को 100 गज का प्लाट दे दिया, मेरे को 45,000 रुपए दे दिया जी, इतनी सुविधा मेरे को बहुत दे दी गवर्नमेंट। अब तो ये लेटरिंग भी बनवा ली जी, अब टावर है, ये मकान भी बन गए, सुविधा सही हो गई। इसी गांव का अजय सिंह आज बहुत खुश है। इन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज का प्लॉट मिल चुका है और इंदिरा आवास योजना के तहत अब इन्हें मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। मुझे जो ये प्लॉट मिला है वो मुफ्त मिला है महात्मा गांधी आवास योजना से, और अब हमें सरकार इंदिरा आवास योजना के अनुसार हमें लोन देगी, उसके अनुसार हमें ये मकान हम बनाएंगे। पहले हमारा मकान कच्चा था, अब हमें सरकार जो लोन देगी उसके अनुसार हम पक्का बनाएंगे। हर व्यक्ति के दिल में अपने आशियाने की चाहत होती है,
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना और इंदिरा आवास योजना इस चाहत को पूरा करने में जरूरतमंद ग्रामीणों की साथी बन गई है और ये साथ निरंतर जारी है।